हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी हम देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी कैसे फैली और अगर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पता हो तो आज के डेट में सबसे ज्यादा लोग क्रिश्चियंस हैं अराउंड टू बिलियन टू पॉइंट थ्री बिलियन समथिंग पॉपुलेशन आपकी क्रिश्चियंस हैं और इसके बाद बात करें तो इस्लाम आता है वन बिलियन उसके बाद बात करें तो आपके ऐसे लोग आते हैं जो कि एथिस्ट वगैरह हैं अनएफिलिएटेड ग्रुप्स भी बोलते हैं उनको अराउंड 1.2 या 1 बिलियन के आसपास है और फिर हिंदुज्म आता है आपका 1 बिलियन के आसपास ठीक है तो चलिए इसको शुरू करते हैं ये वाले चैप्टर को द स्प्रेड ऑफ क्रिस्टानिटी वॉज ड्यूरिंग द मेडवल पीरियड इट वॉज अ रिलीजियस फेथ ऑन द लाइफ एंड द टीचिंग्स ऑफ द जीजस क्राइस्ट बोलता है कि जो मेडिवल पीरियड था देखिए हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में बांटा गया है सबसे पहला होता है आपका एंशंट पीरियड सेकेंड नंबर पे आता है आपका मेडवल पीरियड थर्ड नंबर पे आता है आपका मॉडर्न पीरियड जो एंशंट है वो आपका कह सकते हो जो आपके मैसोपोटोपिया uh, और ये सब आपके सिविलाइजेशन आप देखते हो उन सब के लिए है तो जो भी एट्थ सेंचुरी है और उसके पहले की भी जो आप घटनाएं देखते हो उसके पहले वाला जो पीरियड है आप बोल सकते हो कि एंशेंट हो गया और जो मेडिवल पीरियड है वो आपका कहीं ना कहीं एटथ सेंचुरी से स्टार्ट हुआ और सिक्सटीन सेवनटीन एटीनथ सेंचुरी तक वेरी करता है कि कुछ लोग अपनी हिस्ट्री में बोलते हैं कि सिक्स से लेके कर सिक्स सेंचुरी से लेके आपका सिक्सटीन uh, सेंचुरी तक हो गया एटीन सेंचुरी तक हो गया तो एक मोटा मोटा फिगर आप मेडोल पीरियड का ये ले सकते हो कि एट्थ सेंचुरी से लेके एटीन सेंचुरी तक का जो टाइम है वो आपका मेडअल पीरियड हो गया एटीनथ के बाद का जो भी टाइम है वो आपका मॉडर्न पीरियड हो जाता है और उसको मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि मॉडर्न हिस्ट्री क्या है तो एटीन सेंचुरी के बाद जो भी वर्ल्ड में हुआ वो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है इट वॉज अ रिलीजियस फेट बेस्ड ऑन द लाइफ एंड द टीचिंग्स ऑफ द जीजस क्राइस्ट एक रिलीजियस फेथ था जो कि जीजस क्राइस्ट में उनकी लाइफ में जो भी हुआ और उनने जो भी टीचिंग्स दी उस पर बेस्ड था द बाइबल इज अ हॉली बुक ऑफ द क्रिश्चियंस एंड इट हैज टू पार्ट्स वन इज ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा है न्यू टेस्टामेंट तो बोलता है जो बाइबल है वो दो वो एक हॉली बुक है क्रिश्चियंस के लिए और वो दो पार्ट्स में है एक है ओल्ड टेस्टामेंट एक है न्यू टेस्टामेंट तो जैसा कि हमने देखा कि जो जीजस है उनको कर्सीफाई कर दिया जाता है और जब ऐसा किया जाता है तो लोग सोचते हैं कि हमने जो जीजस थे क्योंकि वो हमारे रिलीजन में बहुत सारे डिफरेंसेस लेके आ रहे थे तो हमने उनको मतलब मार के क्या किया कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया कि अब जो भी ऐसा आदमी अगर ऐसे कोई रिफॉर्म्स लाने की कोशिश वगैरह करेगा तो उसका अंजाम ये होगा है ना ये सोच के जूस ने उन्हें मार दिया था लेकिन रियलिटी में यही चीज़ आगे चल के जूस के लिए प्रॉब्लम खड़ी करती है क्योंकि जो जीजस थे उनकी फॉलोइंग जो थी फॉलोअर्स जो थे उनमें कोई कमी नहीं आती है उल्टा वो तो बढ़ते ही जाते हैं यहाँ पे लिखता है कि इट डिड नॉट फेड अवे विद द कर्सिफिकेशन ऑफ द जीजस क्राइस्ट आफ्टर जीजस डाइड हिज टीचिंग्स वर स्प्रेड बाय हिज फॉलोअर्स उनकी जो टीचिंग्स थी वो उनके फॉलोअर्स फैलाते हैं एस टी जॉन एंड एस टी पॉल इसलिए आपका जो स्कूल वगैरह भी होगा जो भी ये क्रिश्चियंस होते हैं मिशनरीज होते हैं तो ये एस टी जॉन एस टी पॉल इन नाम से ही स्कूल वगैरह अपना स्टार्ट करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप किसी मिशनरी स्कूल के ही होगे तो फिर एस टी जॉन एस टी पॉल ऐसे करके ही आपका स्कूल का नाम होगा मोस्ट प्रोबेबली ठीक है इट वॉज एस टी पॉल हु प्लेड एन एक्टिव रोल इन द स्प्रेडिंग ऑफ क्रिस्टैनिटी इन द रोमन एम्पायर ही वॉज द फर्स्ट टू इनकरेज नॉन जूई नॉन जू टू बिकम क्रिश्चियंस देखो जो नॉन जूज पीपल थे उनको क्रिश्चियंस बनाने का यहाँ पे एक नया ट्रेंड शुरू होता है और जो रोमन एम्पायर है वो इसकी लीड पे होता है तो जो रोमन एम्पायर है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है आपका स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी के लिए द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन द रोमन एम्पायर इनवाइटेड वर्थ ऑफ द रूलर्स द इम्पीर सच एज नीरो और यहाँ पे कोई सेकेंड नाम है आप देख लीजिएगा इसको एज द रेबल्स दे रिफ्यूज वर्शिप ऑफ द रोमन गॉड्स थाउजेंड्स वर टोर्चर्ड एंड मैनील्स तो देखो जब भी कोई भी एक रिलीजन नया या फिर कोई भी रिलीजन बनता है और उसका स्प्रेड होता है तो कहीं ना कहीं वहां पे बहुत सारे वॉर्स वगैरह लड़ने पड़ते हैं लोगों को समझाना पड़ता है कुछ टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए तो बहुत सारे यहाँ पे किलिंग्स वगैरह हमें देखने को मिली थी जब हो रहा था स्प्रेड ऑफ क्रिस्टैनिटी अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं इम्पेर कॉन्स्टेंटाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है और कह सकते हो कि इन्हीं ने सबसे ज्यादा स्प्रेड किया आपका क्रिस्टैनिटी को इनके बारे में आगे भी बहुत डिटेल में बताया है, इनको अच्छे से पढ़ेंगे द परसेक्शन ऑफ द क्रिस्टियन एंडेड अराउंड द फोर्थ सेंचुरी व्हेन द व्हेन एन एम्पीर कॉन्स्टेंटीन बिकेम द फर्स्ट रोमन रूलर इमरेस द क्रिस्टी बोल रहे हैं ये पहले रूलर थे जिनने embrace, यानी और बढ़ावा दिया क्रिश्चियनिटी को ही टुकर स्टेप्स टू स्प्रेड क्रिस्टियनिटी इनने बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लिए कि हम क्रिश्चैनिटी को स्प्रेड कर सकें ही ग्रांड क्रिस्चियंस टू द फ्रीडम इनने फ्रीडम दिया वर्शिप करने का क्रिस्चियंस को ही गेव इम्पॉर्टेंट जॉब्स टू क्रिस्चियंस देखो जितने भी क्रिश्चियंस थे उनको इंपॉर्टेंट जॉब कहीं ना कहीं अगर आप किसी को भी जॉब वगैरह देते हो तो वो एक पावर है तो कि अगर जॉब दे दी गई यानी एक पावर दे दिया गया तो ही गेव इंपॉर्टेंट जॉब टू द क्रिस्चियंस ही डिक्लेयर संडे एज अ पब्लिक हॉलीडे संडे को पब्लिक हॉलीडे बना दिया ताकि सब लोग चर्च वगैरह जा सकें पीपल अटेंड चर्च ऑलसो बिल्ड मैनी चर्चेस और इनने बहुत सारे चर्चेस बनाई ये पूरा काम किसका एक अकेले इम्पीरियर का है जो की रोमन एम्पायर का किंग है उस समय काफ दिन ने जो अपना कैपिटल है वो शिफ्ट करके दूसरी जगह पे भी किया था इन थर्टीन हंड्रेड थर्टी सेंचुरी सेंचुरी यानी ये जो बात हो रही है वो जीजस क्राइस्ट के पैदा होने के तीन सौ तीस साल बाद की बात है तीन सौ तीस साल बीत गए हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ को उसके बाद का है जो सीई होता है वो सेंचुरी होता है इंपेरियर कॉन्स्टेंटीन शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम द रोम टू द एशियंट सिटी ऑफ द दिन बाइजेंटी जो इनका ये था कैपिटल वो इनने कॉन्स्टेंटीन से शिफ्ट करके रोम जो कॉन्स्टेंटीन थे वो एक राजा थे उनने क्या किया कि उनका एक साम्राज्य पहले रोम में जो था उसको वहां से शिफ्ट करके बाइजेंटीन यहाँ पे जो एम्पायर है उसमें शिफ्ट कर दिया था दिस वॉज बिकॉज ही बिलीव दैट द रोमन एम्पायर एडमिनिस्ट्रेटेड एफिशेंटली जो रोमन एम्पायर था वो बहुत बड़ा था तो उसको मतलब इनके हिसाब से सहूलियत नहीं रही होगी तो इनने खुद के जो कैपिटल है उसको शिफ्ट कर दिया पहले ज़माने में जब इंडिया वगैरह का अगर आप एग्जाम्पल ले लो तो भी लोग बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जगहों पे अपना कैपिटल वगैरह बनाते थे और शिफ्ट भी करते थे मान लो एक जगह पे वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेट करने में तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे अपने आप को शिफ्ट कर लेते थे द न्यू कैपिटल वॉज नेम्ड कॉन्स्टेंटिनोपोल मॉडर्न डे इस्तानबुल जो ये कॉन्स्टेंटिनोपोल है वो आज के डेट पे इस्तानबुल के नाम से जाना जाता है और उस समय जो इनने कैपिटल शिफ्ट करी थी तो उसका नाम रख दिया था कॉन्स्टेंटिनोपोल और जो सिटी थी उसका ओरिजिनल नाम देखो उसका ओरिजिनल नाम वहाँ पे बाइजेंटीन था तो यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे बाइजेंटीन भी बोलते हैं ठीक है थीके? आगे देखो यहाँ पे लिखा भी है बाइजेंटीन तो हाँ इसको मतलब बाइजेंटीनियम करके कोई एक जगह थी जिसको इन अपना पहले कैपिटल बनाया फिर बाद में उनने उसका नाम चेंज करके कॉन्स्टेंटिनोपोल रख दिया और आज के डेट पे इसका नाम इस्तानबुल है इट बिकेम मेजर कॉमर्शियल सेंटर कॉन्स्टेंटीनो पोल वुड लेटर बिकेम द कैपिटल ऑफ द ईस्टर्न रोमन एम्पायर विच वुड बी नोन एजेंटीन एम्पायर आगे चल के इसी को बाइज एंटीन एम्पायर बोल दिया गया इन थ्री हंड्रेड नाइनटी वन सेंचुरी वन ऑफ द कॉन्स्टेंटीन सक्सेसर एम्पीर थी इसको ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हो किस ठीक है इसको जो भी प्रोनाउंस करना है कर लेना थीडो मैं इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ थीडोसियस थीडोसियस थियस थीडो पढ़ सकते हैं इसको मेड क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर तो ये जो थीडोसियस थे इनने इसको ऑफिशियल रिलीजन बना दिया इनके जो भी सक्सेसर थे उनने क्या किया कि ऑफिशियल रिलीजन ही बना दिया क्रिश्चियनिटी को ठीक है इनका प्रोनाउंसिएशन जो भी है वो आप देख सकते हो देखो जो नाम होते हैं पुराने वो वेरी करते हैं ठीक है कई लोग इनको कुछ और बुला सकते हैं हम लोग जो है इस वाली वीडियो में जब भी इनका अगर आगे चल के नाम आएगा तो हम इन्हें थीडोसियस करके बुलाएंगे ठीक है मेडवल मेडवल यूरोप की बात करते हैं मतलब जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो मेडवल यूरोप में क्या क्या चल रहा है उसको देखते हैं मध्यकालीन यूरोप इसको बोल सकते हैं द मेडुअल पीरियड इन द यूरोप विटनेस्ड अ नंबर ऑफ द इवेंट सच एज द डिक्लाइन ऑफ द एंशंट रोमन एम्पायर द राइज ऑफ द फ्यूडुअलिज्म का क्या मतलब वो नेक्स्ट पेज पे भी समझेंगे ये जो पूरा सिस्टम होता है ये आपका लैंड से रिलेटेड होता है पीस ऑफ लैंड द राइज ऑफ द चर्च एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन एंड द राइज ऑफ द इस्लाम जो कि हमें चैप्टर थर्ड में पढ़ना होगा द क्रूसेड्स एंड सो ऑन डिक्लाइन ऑफ द एंशियट रोमन एम्पायर अब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन होता है उसके बारे में देखते हैं अराउंड टू हंड्रेड सेंचुरी द रोमन एम्पायर बिगेन टू डिक्लाइन देर वर मेनी फॉर द डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर सच एज करप्टूलर फ्रीक्वेंट आउट्रेक्स ऑफ द सिविल वॉर इन फाइटिंग अमॉन्ग दोल्जर्स एंड सो ऑन हावेवर द चीफ कॉज फॉर द डिक्लाइन वॉज द अटैक ऑफ द जर्मेनिक ट्राइब्स कुछ जर्मन्स थे जो कि रोमन एम्पायर पर अटैक किया करते थे इसमें आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे वंडेलाज आ गए फ्रेंस आ गए यहाँ पे तो ये सब कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए इनको बारबेनियन बोला जाता था तो ये जो बारबेनियंस थे ये अटैक किया करते थे छोटे छोटे गुट थे ये मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि आते थे और यहाँ रोमन एम्पायर क्योंकि एक वेल्दी सेक्टर था तो वहां से थोड़ी थोड़ी चीजें लूट के अपने यहाँ पे लेके जाया करते थे दे प्लंड द ट्रेजर स्किल्ड एंड इन स्लिव मैनी रोमन एंड मैनी बिल्डिंग और बिल्डिंग्स वगैरह भी डिस्ट्रॉय कर देते थे द फाइनल ब्लो केम इन द फोर हंड्रेड सेवेंटी सिक्स सेंचुरी वैन अ बारबेनियन चीफ कॉल्ड ओडासर मेड हिमसेल्फ द किंग ऑफ द इटली एंड फोर्स द लास्ट एम्पेर ऑफ द रोम टू गिव हिज हिस्क्राउन तो ओडासर करके कोई एक बार्बेनियन थे जो कि क्या करते हैं कि इटली के किंग बन जाते हैं और जो लास्ट एम्पियर थे रोम के उनसे उनका क्राउन छीन लेते हैं मेनी हिस्टोरियन कंसिडर दिस टू बी द एंड ऑफ द रोमन एम्पायर बाय अराउंड फाइव हंड्रेड सेंचुरी बार्बेनियन हैड क्रेव्ड आउट देयर ओन इंडिपेंडेंट किंगडम्स एंड सेटल डाउन फाइव हंड्रेड सेंचुरी तक ये लोग यहाँ पे सेटल हो चुके थे द लार्जेस्ट बार्बेनियन किंगडम वॉज क्रिएटेड बाय द फ्रांस तो ये जो फ्रांक्स थे, इनने सबसे ज्यादा बड़ा यहाँ पे बार्बेनियन किंगडम को फॉर्म किया था इम्पैक्ट ऑफ द इन्वेजन। ये जो छोटे अटैक करते थे रोमन एम्पायर को इसके सर, रोमन एम्पायर को बहुत दर्बेनियंस इनवेजन लेफ्ट रोम सिटी ऑफ द रूंस तो बोलता है कि जो सिटी थी वो कहीं ना कहीं बंजर बन गई द इनवेजन वीकेंड द अथॉरिटी ऑफ द रोमन रूलर्स बिकॉज दे फेल टू चैलेंज द इन्वेडर्स ये लोग इन देखो छोटे छोटे जो ये होते हैं ग्रुप्स होते हैं ये जब अटैक वगैरह करते हैं तो कहीं ना कहीं जो बड़ा राज होता है वो थोड़ा सा टूटने लगता है तो वही यहाँ पे भी हुआ ट्रेड डिक्लाइन ड्यू टू दर्ल्ड एंड पोलिटिकल कंडीशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपैक्ट ऑफ दीज इन्वेजन वॉज द राइज एंड स्प्रेड ऑफ द फेडरिज्म विच लास्टेस्ट वेरियस फॉर्म अक्रॉस द यूरो हंड्रेड ऑफ ऐस जमीनदारी का एक यहाँ पे सिस्टम आ गया था कहीं ना कहीं पीस ऑफ लैंड का जो सिस्टम है वो आ गया था इसके बारे में देखते हैं नेक्स्ट पेज पे ठीक है यहाँ पे देखते हैं जो फूड वैलिज्म है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है सबसे ऊपर आपके किंग होंगे किंग आपके जो होंगे उनके पास पूरी लैंड है आई ओन ऑल द लैंड इन द कंट्री ये फूड वैलिज्म को समझा रहा है कि फूड वैलिज्म है क्या मैं यहाँ की सारे जो भी लैंड है इस कंट्री की उसको ओन करता हूँ यानी उसका ओनर हूँ ये आपके किंग है ठीक है उसके बाद सेकेंड नंबर पे आते हैं नोबल्स थर्ड पे नाइट्स फिर आते हैं सर्फ्स नोबल्स में आते हैं आपके राज दरबार के लोग जो भी वहाँ पे रहते थे तो ये लोग सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते थे किंग की फैमिली को जिसकी वजह से इनको पीस ऑफ लैंड दिया जाता था फिर आते थे नाइट्स जो कि आपके आ, सोल्जर्स होते थे जो कि आपके मिलिट्री का सर्विस का काम करते थे और बदले में इनको पीस ऑफ लैंड दिया जाता था फिर आते थे आपके सर्व ये टैक्स वगैरह पे करते थे किंग को और उसके बदले में इनको जो भी थोड़ा मोड़ा लैंड है वो होता था राइज ऑफ द फेडरलिज्म आफ्टर द द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर इन द दिफ्थ सेंचुरी देर वर वेरी फ्यू किंग्स इन द एम्पायर एफर्ट टू मेंटेन द स्टैंडिंग आर्मी क्योंकि इतना सब के वगैरह मच चुका रहता था इतना ज्यादा वॉर वगैरह वा रहता था, तो बहुत कम ही लोग आ, आर्मी में ऐसे बचे हुए थे जो कि मतलब स्टैंडिंग आर्मी को सर्व कर सके मतलब आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर इन द फिफ्थ सेंचुरी फिफ्थ सेंचुरी में काफी ज्यादा फॉल वगैरह देखने मिला था तो बहुत कम ही ऐसे किंग्स थे जो कि स्टैंडिंग आर्मी को अफोर्ड कर सकते थे क्योंकि एक आर्मी का बहुत ज्यादा खर्चा आता है मेंटेनेंस का सो द किंग्स ग्रांटेड द पोर्शन ऑफ द लैंड टू द नोबल्स एंड इन रिटर्न द नोबल प्रोमिस द लॉयलिटी एंड द प्रोटेक्शन देखो जो ये नोबल्स थे इनको यहाँ पे जो किंग्स हैं वो अपना लैंड प्रोवाइड करते थे और इनका काम होता था ये मंत्री होते थे बेसिकली इनका काम होता था कि ये सर्विस प्रोवाइड करे किंग के लिए ठीक है द नोबल्स गेव लैंड टू द नाइट्स इन द रिटर्न फॉर द फाइटिंग बैटल्स द नोबल्स बिकेम द लॉर्ड्स ऑफ द नाइट्स द पीस एंड फार्म ऑन द लैंड ऑफ द नाइट्स एंड नोबल इन रिटर्न फॉर द प्रोटे अगेंस्ट सिस्टम जो मैंने अभी ऊपर बताए वही चीज को यहाँ पे एलेबोरेट करके लिखा हुआ कर है ये, ये जो पिरामिड वाला स्ट्रक्चर है इसमें समझने वाली जो चीज है वो ये है कि जो किंग है वो आपके मेन ओनर, ओनर है पूरे लैंड के आई ओन ऑल द लैंड इन द कंट्री फिर आपके नोबल्स हैं फिर नाइट्स हैं और फिर सर्वस हैं

जो कि बाइजेंटीन एम्पायर को एक बार फिर से धरती का सबसे वेल्दियस्ट जगह बना देते हैं यहाँ पे इतने ज्यादा ट्रेड होते हैं कि इसको वन बाइजेंटीन एम्पायर को वेल्दियस्ट जगह लोकेशन बताई गई है उस समय के हिसाब से इमरजेंस ऑफ द टर्क तो तभी क्या होता है कि टर्किश लोग यहाँ पे आके अटैक करने लगते हैं ये जो पूरा चर्च है ये एक पहले चर्च हुआ करता था आज के डेट फिर जब टर्की वाले लोग इसको अटैक करते तो ये मॉस्क हो जाता है और आज के डेट में इसको म्यूजियम बना के रख दिया गया है ऑफ द जस्टिनियन वन एक्सपोज द एम्पायर टू अटैक्स फ्रॉम बहुत सारे छोटे छोटे जो गुट होते हैं वो फिर से अटैक करने लगे जब आपके ये जो किंग थे जस्टेनियन वन ये बहुत ही अच्छे किंग थे वहां के हिसाब से अगर आप क्रिश्चियनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये काफी ज्यादा स्प्रेड किए थे क्रिश्चियनिटी वगैरह को भी और कहीं ना कहीं आज के डेट पे जितने भी लोग क्रिश्चियंस वगैरह हैं फॉलोअर वगैरह हैं तो उनका श्रेय आप इनको भी दे सकते हो क्योंकि ये बाइजेंटीन एम्पायर को उस समय का वेल्दियस्ट क्लास भी बनाए हुए थे तो काफ़ी गोल्डन पीरियड कह सकते हो बाइजेंटीन एम्पायर का इनके राज में रहा है लेकिन फिर तुर्की के लोग यहाँ पे आके अटैक वटैक करने लगे थे तो इसके बारे में देखते हैं एम्पायर वॉज नथिंग मोर देन डिक्लाइंड सराउंडेड अ स्मॉल अ फ्यू स्मॉलर विलेज इन सच अ वीकेंड स्टेट तो वही है, है होता यूं कि जैसे जो राजा होता है वो अगर जो लगता है इसका एग्जांपल इंडिया से भी ले सकते हो कि अशोका जब थे तो काफी बड़ा एम्पायर था अशोका ने जैसी गद्दी छोड़ी तो एम्पायर पल भर में टूट गया वैसे यहाँ भी एम्पायर जस्टिनियन की डेथ के बाद टूट जाता है और वहां पे ओटोमन आके अपना राज बसा लेते हैं और उसको अपनी कैपिटल बना देते हैं कॉन्स्टेंटिनोपोल को अब कुछ वॉर्स लड़े जाते हैं इन द इलेवेंथ सेंचुरी दर्क कैप्चर्ड द जुरूसलम द क्रिस्चियंस विजिटर्स एंड लेटर बैंड फ्रॉम एंटरिंग द जरूसलम तो जो टर्किश लोग होते हैं वो क्रिश्चियंस को एंटर करने से मना कर देते हैं जेरोसलम में जो जरूसलम है वो काफी इंपॉर्टेंट जगह है क्रिश्चियंस uh, के लिए तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो टर्क्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है तो दोनों में आज की डेट तक भी मुठभेड़ चलती रहती है इसमें और बहुत सारे विडियोज वगैरह आते रहते, रहते हैं इसराइल वाले पार्ट से तो वर्ल्ड वॉर भी बोल सकते हैं कि हो सकता है इसको लेके तो काफी सारे यहाँ पे चीजें आती हैं मोर ओवर द विक्ट्री ऑफ द टर्क्स ओवर द दाइजेंटीन एम्पायर लेड मेनी क्रिश्चियंस टू बिलीव दैट देयर रिलीजन वॉज अंडर थ्रेड ऐसा नहीं बोलते धर्म खतरे में आ गया तो फिर वाइजेंटीन एम्पायर जो था Uh, उस उस पे जब कंट्रोल टर्किश लोगों का आ गया था तो बहुत सारे क्रिश्चियंस ऐसा सोचने लगे थे कि उनका रिलीजन खतरे में आ गया है इट वाज अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड दैट इन 1095 सेंचुरी पोप अर्बन सेकंड अर्ज्ड क्रिश्चियंस टू गो टू द होली वॉर और द क्रूसेड एंड रिकैप्चर जरूसलम अ पार्ट ऑफ द होली लैंड फ्रॉम द टर्स तो देखो होता यूं है कि एक यहाँ पे लीडर उभर के आते हैं जिनका नाम है पोप अर्बन इन्हीं की वजह से कह सकते हो पोप का जो कल्चर है आज के डेट तक वो कहीं ना कहीं पोप को हम लोग कैसा एज अ लीडर देखते हैं ना कि ये यहाँ का लीडर है पोप तो इन्हीं के टाइम से शुरू हो गया था इनने बहुत स्पीचेस दिए थे बहुत लोगों को मोटिवेट किया था कि हमें जाके क्या करना है वॉर लड़ना है धर्म युद्ध पे हमें जाना पड़ेगा धर्म युद्ध बोल सकते हो इसको जो हॉली वॉर है लैंड के लिए तो इसको और दूसरा नाम इसको क्रूसेड्स भी बोला गया है तो इन जो क्रिश्चियंस हैं उनके बीच में और टर्किश लोगों के बीच में बहुत सारे वॉर्स यहाँ पे रिलीजन के लिए हुए थे बिटवीन दिस ये वाला जो टाइम पीरियड है इसके बीच में हुए थे ते, तें, सेंचुरी और आपकी ट्वेल्थ सेंचुरी के बीच में हाव एवर क्रू सेबल टू री कैप्चर जूरे तब भी जूरेसलम में आज तक भी वहां पे मुस्लिम लोग हैं तो ये लोग कहीं ना कहीं कैप्चर नहीं कर पाते उस जगह को ठीक है और क्रिश्चियंस भी हैं वहाँ पे दोनों हैं

The 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 use of of gunpowder greatly undermined the role of the knights and contributed to the decline of the feudalism. और क्योंकि गन पाउडर और इन सबकी यूज की, की वजह से जो नाइट्स है उनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम हुआ तो फेडरलिज्म पे भी इफेक्ट पड़ा कि मतलब जमीन किसके पास कितनी रहेगी उसपे भी इफेक्ट पड़ा ठीक है ये लास्ट ये लास्ट पेज है इसको पढ़ेंगे तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा क्रूस पेव द वे फॉर द इनक्रीज ट्रेड कॉन्टैक्ट बिटवीन द एशिया एंड द यूरोप द डिमांड फॉर द लगजरी गुड स्किल्स एंड कार्पेट्स इंक्रीज इन दूरोप ट्रेड्स तो देखो कहीं ना कहीं ट्रेड्स वगैरह करना लोग शुरू कर दिए थे और यहाँ पे एक और वर्ड आता है द रिवल ऑफ द यूरोपियन आर्ट एंड लिटरेचर दैट रफली स्पैंड फॉर द फोर्टीन टू द एंड सेवनटीन सेंचुरी देखो फोर्टीनथ और सेवनटीन सेंचुरी के बीच में जितने भी आपके इंग्लिश स्पीकिंग लोग थे यहाँ पे यूरोप वगैरह में या फिर दूसरे जो भी लैंग्वेजेस स्पीक करते थे तो उन लोगों ने क्या किया उन एशिया के बीच में क्या किया एशिया और यूरोप के बीच में ट्रेड वगैरह करना स्टार्ट किया और उस ट्रेड में सिल्क वगैरह स्पाइसेस वगैरह कारपेट्स वगैरह ये सब वो लोग एक्सचेंज किया करते थे और यहाँ पे उन लोगों ने अपने खुद की जो लिटरेचर है उसको भी अच्छा करने के लिए फोर्टीन से सिक्सटीन सेंचुरी के बीच में बहुत सारे लिटरेचर वगैरह भी लिखना शुरू किए

क्रिश्चियनिटी के उसमें जाके मतलब मोंगस जैसे कि जो मॉन्ग्स होते हैं वो क्या करते हैं अपने पूरी लाइफ पूरी लाइफ दे, दे देते हैं क्रिश्चियनिटी के लिए तो वैसे ही जो नन्स होते हैं वो वुमेन होती हैं जो कि पूरी लाइफ अपनी डिवोट करती हैं गॉड्स के लिए दे लिव्ड इन द न्यूरेरीज ये वो जगह है जहाँ पे जहाँ पे मतलब नन्स रहेंगे आर ऑल्सो कॉल कॉन्वेंट्स आपके कॉन्वेंट सही है तो इसीलिए आपके स्कूल वगैरह का भी जो नाम होता है वो कॉन्वेंट स्कूल होता है ठीक है गर्ल्स वगैरह का जो होता है द मोंगस एंड द नापल एंड डिड नाट होल्ड एनी वर्डली पोजिशन प्रेयर्स टू द गॉड एंड सर्व द पीपल सर्व जो पब्लिक की सर्विस है उसको यहाँ पे मेन माना जाता है कि ये लोग पब्लिक को सर्व करते थे प्रे करते थे गॉड को ये सब है आपके एस टी फ्रांसिस ये भी इस नाम पर भी बहुत सारे अपने स्कूल देखे होंगे बेनेडिक और ऑस्टेन अगस्तीन ये आपके कुछ नेम्स है फेमस नेम्स हैं जो कि आपके फेमस क्रिश्चियन मॉन्क्स थे तो इनके नाम आप हाईलाइट कर सकते हो द मोनेस्ट्रीज प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेडवल यूरोप मेडवल यूरोप में मोनेस्ट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था मोनेस्ट्रीज वर द सेंटर फ्रॉम विच क्रिश्चियनिटी स्प्रेड टू द अदर रीजन ये सेंटर था जिससे एक जगह से दूसरी जगह पे क्रिस्टैनिटी स्प्रेड हुई ट्रेवल्ड फार एंड वाइड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द जीजस क्राइस्ट ग्रेजुअली मैनी पीपल एक्सेप्ट क्रिस्टी तो बहुत सारे लोग इसमें क्रिस्टी एक्सेप्ट uh, करने लगे मोनेस्ट्रीज व लर्निंग स्टडीड द लैटिन एंड दैंड रिटन बुक्स एंड ऑल्सो स्टडीड द मेनूस्क्रिप्ट मेनूस्क्रिप्ट जो हैंड रिटन बुक्स वगैरह होती हैं उनको मेनूस्क्रिप्ट बोला जाता है इसकी भी यहाँ पे पढ़ाई वगैरह होती थी मोनेस्ट्रीज सर्वड पीपल ये लोग सर्विस टू द सोसाइटी करते थे दे गाइडेड बाई द मोटो सर्विस टू द सोसाइटी तो फिर ये लोग क्या करते थे स्प्रेड करने के लिए बहुत सारे आपके मोनेस्ट्रीज फॉर्म किए फिर वहाँ पे आप पढ़ाई लिखाई हो रही है वहाँ पे लोग डिवोट कर रहे हैं टू द गॉड और बहुत सारे मैसेजेस का स्प्रेडिंग हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह पे तो इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर जो है वो खत्म होता है आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो इसी के साथ ये वीडियो को ख़त्म करते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग